सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै कल ये प्रमाणों की चर्चा कर रहे थे तो सांख्य और योग तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है, ये कहता है इसी से सब कुछ सिद्ध हो जाता है तो इससे ज्यादा प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है और उसको सूत्र रूप में बता रहे हैं। ये सूत्र बोल लीजिए, तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे नाधिक्य सिद्धि। तत्सिद्धौ माने वो जो त्रिविध प्रमाण है उसकी सिद्धि होने से। कल इन्होंने बताया था ना कि जो हमें किसी वस्तु के बारे में बुद्धि को या आत्मा को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमा, उसको प्रमा कहते हैं। और प्रमा किसके द्वारा होती है, प्रमाण के द्वारा होती है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। और तो कह रहे हैं ये जो तीन प्रकार के प्रमाण बताए कल हमने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, तो इन्हीं के ही सिद्ध होने से सर्व सिद्धे है, इनमें ही सारे संसार की वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है तीन प्रमाणों को मानने से ही, नाधिक्य सिद्धि ही, इसलिए उससे अधिक प्रमाणों की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। त्रिविध प्रमाणों की सिद्धि में समस्त अर्थ सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा कोई अर्थ जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता जिसकी सिद्धि के लिए त्रिविध प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो, इसलिए तीन प्रमाणों से अधिक प्रमाण मानना अनावश्यक है। प्रमाण का सामान्य लक्षण ये बता दिया इन्होंने, अब विशेष रूप से जो तीन प्रमाण थे उनमें सबसे पहले प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, यत संबद्धम सत् तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। यत संबद्धम, ये संबंधम नहीं है, संबद्धम, यत संबद्धम सत् जिसके साथ संबद्ध होता हुआ, तदाकार उल्लेखी उसी आकार का उल्लेख करने वाला या धारण करने वाला, निर्देशन करने वाला, विज्ञानम जो विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, तत्प्रत्यक्षम वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाह्य विषय के साथ अपना संपर्क स्थापित करती है और तत्काल विषयाकार हो उठती है, ये बात कल भी आई थी ना। बुद्धि कैसी है, वो नियत विषय वाली है और उसका स्वभाव कैसा है, जो उसके सामने आता है उसी के आकार वाली वो हो जाती है। उसका अपना स्वरूप कैसा बताया कल, स्फटिक मणि जैसे बताया, स्वच्छ बताया, सात्विक बताया। तो कहा कि ये तत्काल विषयाकार हो उठती है, बुद्धि की यह स्थिति ही बुद्धि वृत्ति कहलाती है, चित्त वृत्ति, बुद्धि वृत्ति जो कहा ना योग दर्शन में, वो सूत्र में इसी के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। विज्ञान अथवा इसी बुद्धि वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सूत्रकार ने यहाँ बुद्धि वृत्ति को प्रमाण बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि पुरुष को जो बोध होता है वो बोध ही क्या है, प्रमा, अर्थात वो प्रमाण का फल है। बुद्धि वृत्ति उस विषय को पुरुष के लिए अर्पण करती है, पहले उसको जो ज्ञान होता है और फिर उस ज्ञान को वो आगे प्रतिबिंबित कर देती है।
आत्मा के द्वारा विविध सुख दुख आदि के भोग से यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा में किसी प्रकार का विकार या परिणाम की संभावना हो सकती, वो सुखी दुखी नहीं होता है आत्मा। परिणाम तो अचेतन का धर्म है, चेतन आत्मा तो सदा अपरिणामी है, फिर भी चेतन स्वभाव के कारण वह सुख दुख आदि का अनुभव करता है, क्योंकि वो दिखाती है बुद्धि ऐसा, वो इसलिए वो अनुभव करता है। एवं बुद्धि वृत्ति के द्वारा समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है आत्मा, तो उसका यह अनुभव या उसका यह ज्ञान ही उसकी प्रमा कहलाता है। इसीलिए उसका सर्वोत्कृष्ट साधन बुद्धि वृत्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। अन्य समस्त जगत के समान ये प्रमाण आत्मा के उपयोग के लिए हैं। इनके द्वारा सुख दुख आदि का अनुभव करता हुआ आत्मा विकारी क्यों नहीं होता, ये ध्यान देने की बात है। यद्यपि सुख दुख आदि विकार प्रकृति या प्राकृत तत्वों से उत्पन्न होते हैं, तो इस दृष्टि से इनका आधार प्रकृति या प्राकृत तत्व हैं, लेकिन इनकी अनुभूति आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को होना असंभव है, क्योंकि अनुभूति स्वतः चेतन का स्वरूप है। यदि यह माना जाए कि अनुभव आत्मा को नहीं होता, तो उस अवस्था में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्या कह रही है पंक्ति? यदि ये माना जाए कि ये अनुभव आत्मा को नहीं होता, तो उस अवस्था में फिर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तब वो जुड़ेगी नहीं उससे, प्रकृति से। इस प्रकार बाह्य विषयों के अनुभूति काल में इसकी वृत्ति स्वरूपता बनी रहती है। आत्मा को भोग स्थूल शरीर के संपर्क में ही संपन्न होता है, अगर ये संपर्क में ना रहे तो भोग नहीं होगा। यह शरीर जन्म मरण के साथ बदलता रहता है, वस्तुतः इस शरीर का बदलना ही जन्म है और इसका छोड़ना ही मरण है। इसके अतिरिक्त आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है स्थूल के साथ साथ, तो यह शरीर 18 तत्वों से निष्पन्न होता है, 13 करण, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेन्द्रियां। 13 करण में क्या आ गए? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, 3 ही माना इन्होंने। मन अहंकार बुद्धि ये 3 अंतःकरण और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ये 10 बाह्यकरण, 5 सूक्ष्म भूत, 5 तन्मात्र हैं। तो यह सूक्ष्म शरीर आदि सर्ग से आत्मा के साथ संबद्ध हो जाता है, माने जैसे सृष्टि बनती है ना, तभी मिल जाता है ये कारण शरीर। आगे समस्त सर्ग काल में यही शरीर उस आत्मा के साथ बराबर बना रहता है। महाप्रलय होने पर जहाँ अन्य समस्त कार्य अपने कारण में लीन हो जाते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के घटक अवयव भी अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं, माने 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं और ये 13 इंद्रिय ये अहंकार में लीन हो जाते हैं। तो उसके अनंतर समस्त प्रलय काल में आत्मा सुप्त जैसी अवस्था में पड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर ही नहीं है ना, अविवेक ही उसको इस अवस्था में बनाए रखता है। तो जैसे यहाँ पर अविवेक अवस्था में बनाए रखने के लिए एनेस्थीसिया दे देते हैं तो शून्य हो जाता है, तो ऐसे ही ये हट जाता है प्रलय काल में, तो ये ऐसे ही बना रहता है, ये अविवेक के कारण ऐसे होता है, शून्य पड़ा रहेगा वो। यदि सर्ग काल में समाधि लाभ से विवेक हो जाने पर अविवेक का नाश हो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के समान उसी समय अपने कारणों में लीन हो जाता है, और अविवेक के न रहने से आत्मा बंधन विनिर्मुक्त हो जाता है, उसे चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और तब यह स्वरूप में अवस्थित रहता है, तो उसकी वृत्ति स्वरूपता नष्ट हो जाती है। यद्यपि सुप्त और महाप्रलय काल में भी वृत्तियों के न रहने से उसकी वृत्ति स्वरूपता तो नहीं रहती, पर उस अवस्था में अविवेक के बराबर बने रहने के कारण वृत्तियों के पुनः जागृत हो उठने का मार्ग खुला रहता है। तो दो हैं, सुषुप्त में और सुषुप्ति अवस्था में और
प्रलय अवस्था में दो अंतर हैं, क्योंकि अविवेक बना हुआ है इसलिए ना तो अपने स्वरूप का इसको ज्ञान होता है, और अविवेक के कारण ही ना इसको बंधन से मुक्ति मिलती है, दोबारा उसमें आने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे मुक्त आत्मा के सामने कोई संभावना नहीं है, ऐसे ही ये भी एक बार तो छूट ही गया महाप्रलय में, लेकिन इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी अविवेक इसके साथ है, अज्ञान इसके साथ है, तो जब तक जड़ साथ में है तो कभी भी उसमें अंकुर फूट सकते हैं, संभावना बनी रहती है। इसलिए आत्मा की यह स्थिति जहाँ वह वृत्ति स्वरूपता के न होने पर भी सुप्त के समान बना रहता है, यह वांछनीय नहीं है। माने ये जो मूर्छित वाली अवस्था है ये वांछनीय नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान भी तो होना चाहिए, विवेक भी तो होना चाहिए। तो इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा चाहे वृत्ति स्वरूपता की अवस्था में हो अथवा अन्य अवस्था में हो, उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई विकार या अंतर नहीं आता। इसलिए बाह्य विषयों का ज्ञान बुद्धि वृत्ति के द्वारा आत्मा को होता है और उसी का नाम है प्रमा। ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि योगी जनों को तो अतीत और अनागत और व्यवहित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, त्रिकाल दृष्टा होते हैं ना योगी जन, तो वहां तो कुछ संयोग होगा नहीं इंद्रिय का। यत संबद्धम सत, ऐसे कहा ना, जिससे संबद्ध होता हुआ तदाकार उल्लेखी जो हमारी बुद्धि है वो उसी के आकार का निर्देशन करने लगती है, वैसी ही हो जाती है वृत्ति स्वरूप, हो बुद्धि वृत्ति से युक्त हो जाती है। तो कहा फिर इनको जो अतीत अनागत का होता है, तो बुद्धि तो है अभी लेकिन वो अतीत की चीज तो व्यतीत हो गई, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? और भविष्य वाली चीज तो अभी है ही नहीं है अस्तित्व में, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि बुद्धि वृत्ति कैसे बनेगी? यत संबद्धम सत, ऐसे आपने लक्षण करवाया, और हमने तो सुना है कि योगियों को त्रिकाल का प्रत्यक्ष हो जाता है, तो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा इस लक्षण से? वो तो रह जाएगा। तो ये इस पे आपत्ति उठा रहे हैं, योगी जनों को अतीत अनागत और व्यवहित व्यवधान वाली, जैसे अगले कमरे में क्या रखा है वो भी वो बता देते हैं ना, कहाँ क्या वस्तु रखी है। यह बात शास्त्र और व्यवहार से सिद्ध है, परंतु अतीत आदि अवस्थाओं में चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि का बाह्य विषय के साथ संपर्क तो स्थापित हो नहीं सकता, क्योंकि बाह्य विषय का तब अस्तित्व ही नहीं है या वो व्यवहित है। तो ऐसी अवस्था में योगी जनों के प्रत्यक्ष में ये लक्षण अव्याप्त रहेगा। ये जो आपने लक्षण बनाया प्रत्यक्ष का, इसकी व्याप्ति वहां पर नहीं होगी, तो उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये कहा इन्होंने, तो इसका समाधान दे रहे हैं सूत्र, बोलिए। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। योगियों का जो प्रत्यक्ष होता है वो अबाह्य होता है, बाह्य प्रत्यक्ष जैसे नहीं होता है, इसलिए उनको तो हो जाएगा, कोई दोष नहीं आएगा ये लक्षण बनाने में। प्रत्यक्ष दो प्रकार का समझना चाहिए, एक बाह्य और दूसरा अबाह्य। ग्राह्य विषय की विद्यमानता में सर्वसाधारण जनों को जो प्रत्यक्ष होता है वो बाह्य प्रत्यक्ष है। इसमें चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाह्य विषय के साथ साक्षात संपर्क स्थापित करती है। प्रस्तुत सूत्र में ऐसे ही प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है, मतलब ये तो वैसे वाला ही है जैसे वहां पर है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने से ऐसे ही है ये भी, यत संबद्धम सत वाला तो जो है। तो ये करें, इससे योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष में उक्त लक्षण नहीं घटता तो कोई बात नहीं, करें कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लक्षण में जो अव्याप्ति दोष उपस्थित किया गया है, एक होता है अव्याप्ति एक होता है अतिव्याप्ति। तो यहाँ अव्याप्ति दोष क्या है कि ये वर्तमान का तो करवा देगा साक्षात्कार प्रत्यक्ष, लेकिन अतीत और अनागत का नहीं करवाएगा, वहां इसकी व्याप्ति नहीं हो पाएगी, ये दोष आएगा। तो पहले समाधान में अव्याप्ति स्थल को प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा के बाहर कर दिया,
तो वादी ने योगी के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति दोष उपस्थित किया, क्योंकि वह प्रत्यक्ष तो माना गया पर प्रत्यक्ष के लक्षण का उसमें समन्वय नहीं हो पाता। तो कहा योगी के प्रत्यक्ष में बाह्य विषय के साथ बुद्धि चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अपना संपर्क स्थापित नहीं करती, बल्कि प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष के प्रस्तुत लक्षण में इस बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में सूत्रकार ने कहा है कि योगी के प्रत्यक्ष का ये लक्षण नहीं किया गया। ये जो लक्षण किया ये हमने किसके प्रत्यक्ष का किया है? सामान्य व्यक्तियों के लिए किया है, ये योगी के लिए नहीं किया ये लक्षण। तो वो कैसे करेगा? योगी के लिए नहीं किया तो योगी के प्रत्यक्ष में बाह्य विषयों के साथ बुद्धि चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अपना संपर्क स्थापित नहीं करती, पर प्रत्यक्ष के प्रस्तुत लक्षण में इस बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में सूत्रकार कह रहे हैं कि ये योगी के प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं किया, इस प्रकार योगी के प्रत्यक्ष को इस लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया। तो उपस्थित किए हुए अव्याप्ति दोष का ये पहला समाधान है। क्या समाधान क्या दिया? कि उनको इंद्रिय के साथ, उनको बुद्धि का उस विषय के साथ संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है योगियों को। तो कैसे करेंगे वो बताएंगे ये। दूसरा समाधान यह किया गया है कि योगी के प्रत्यक्ष में भी इस लक्षण का समन्वय हो जाता है। कैसे? योगी का प्रत्यक्ष प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर नहीं रहता, इसलिए अव्याप्ति दोष की संभावना नहीं है। कारण यह है कि सांख्यिकी वस्तु की उत्पत्ति के विषय में सत्कार्य सिद्धांत को स्वीकार किया है, मतलब वस्तु का नाश होता ही नहीं है, वो स्थूल रूप में नहीं है, जो अतीत हो गया वो स्थूल रूप में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में तो वो अभी भी है, और जो भविष्य में होने वाली वस्तु है वो अपने सूक्ष्म रूप में अभी भी है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति होती ही नहीं है, तो ये सूक्ष्म के साथ संपर्क करेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अतीत अनागत कार्य, अतीत और अनागत कार्य अपने कारण रूप में सदा विद्यमान रहता है। किसी वस्तु का सर्वात्मना नाश नहीं होता है। जो कार्य व्यवहार में अब अतीत या अनागत कहा जाता है वो अपने कारण रूप में उसी रूप से अब भी विद्यमान है। तो योगज शक्ति की सहायता से योगी की बुद्धि कार्य मात्र के मूल कारण के साथ अपना संपर्क स्थापित करती है और उसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु का साक्षात कर लेती है। तो कैसे उसको बता रहे हैं? लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात वा अदोषः। लीन वस्तु माने मूल प्रकृति, लीन वस्तु लब्ध अतिशय संबंधात। लब्ध अतिशय माने योगी का योग शक्ति के द्वारा संबंधात, संबंध होने से वो सीधा मूल प्रकृति जो है, सूक्ष्म जो है, तो जाके वस्तुएं जो नष्ट हो गई वो कहाँ मिलेंगी? मूल प्रकृति में, सूक्ष्म रूप में तो मिलेंगी ना, तो सीधा वहीं संपर्क स्थापित कर लेगा। तो इसलिए अतिशय संबंधात माने योग शक्ति के द्वारा उस अतिशयता के साथ संबंध होने से, सूक्ष्मता के साथ संबंध होने से अदोष, कोई दोष नहीं आएगा। तो सूक्ष्म रूप में अनागत रूप में भी होती हैं वस्तुएं और अतीत रूप वाली भी सूक्ष्म रूप में होती हैं। तो कहा प्रधान के साथ प्राप्त अतिशय संबंध से अदोष प्रत्यक्ष लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आएगा। लीन वस्तु पद मूल प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है सूत्र में, जिसमें समस्त वस्तु अतीत अनागत अवस्था में लीन रहती हैं। कार्य मात्र के लय का मूल स्थान है वो, तो ऐसा मूल तत्व प्रकृति है। तो यहाँ प्रकृति पद का प्रयोग ना करके उसके लिए क्या कह दिया? लीन वस्तु। लीन वस्तु पद का इसलिए प्रयोग किया है जिससे कार्य मात्र का मूल कारण में लीन होना या लय होना ये ध्वनित किया जा सके। अतिशय माने योगज शक्ति के द्वारा योगी को प्रकृति के साथ संबंध प्राप्त हो जाने से उक्त प्रत्यक्ष लक्षणों में कोई दोष नहीं आएगा।
साधारण प्रत्यक्ष में यही स्थिति है कि बाह्य विषय के साथ बुद्धि का संपर्क चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा स्थापित होता है। योगी के प्रत्यक्ष में भी बाह्य विषय के साथ बुद्धि का संपर्क होता है, परंतु यहाँ इतनी विशेषता है कि उस संपर्क का द्वार चक्षु आदि इंद्रियां नहीं है, बल्कि योगज शक्ति के द्वारा ये स्थापित कर लेता है, क्योंकि चक्षु तो वहां कहाँ जाएगी, मूल प्रकृति में पॉसिबल ही नहीं है। तो योगज शक्ति के द्वारा उससे संबंध कर लेता है, मन की आंखों के द्वारा, बाहर वाली आंखें नहीं। उसकी व्यवस्था यह है कि अतीत अनागत समस्त वस्तु अपने मूल कारण में कारण रूप से विद्यमान रहती हैं। योगज शक्ति से योगी की बुद्धि का संपर्क मूल कारण के साथ होता है और उस रूप में वह कार्य मात्र का प्रत्यक्ष करता है। इस प्रकार अतीत अनागत बाह्य विषयों के साथ भी योगी की बुद्धि का संबंध हो जाने से ये प्रत्यक्ष लक्षण का इसके साथ समन्वय हो जाता है और इसी प्रकार योगी योग से प्राप्त शक्ति अतिशय के द्वारा आत्मा और परमात्मा का भी प्रत्यक्ष कर लेता है। इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष की संभावना नहीं है। इस आधार पर कार्य रूप समस्त जगत के मूल उपादान प्रकृति के अस्तित्व की भी पुष्टि हो जाती है। दो चीजें चल रही थी ना पीछे, ये भी चल रहा था ना मूल उपादान क्या है, तो इससे इसकी भी पुष्टि हो गई कि मूल उपादान तो प्रकृति ही है। और इससे ये भी पता लग गया कि वो जैसे इन अतीत अनागत का ज्ञान करता है, ऐसे ही सूक्ष्म फिर मूल प्रकृति और परमात्मा भी सूक्ष्म है, उनका भी ज्ञान कर लेता है। व्यवहित का तो कर ही कर लेगा, वो व्यवहित ही तो है। तो जब ये अतीत अनागत का करेगा तो उसका तो आराम से कर लेगा, योगज शक्ति से वो तो है ही वहां स्थूल रूप में। अतीत अनागत विषय के साथ योगी का संबंध स्थापित करने के लिए कार्य मात्र के त्रिगुणात्मक मूल उपादान प्रकृति के साथ उसके संबंध का जो निर्देश किया गया है, इसमें त्रिगुणात्मक मूल उपादान को और दृढ़ता से समझने के लिए प्रसंगवश शिष्य आशंका करता है कि वैदिक साहित्य के अनेक स्थलों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिसके आधार पर चेतन ईश्वर को जगत का उपादान मान लिया जाना चाहिए, तो फिर अतिरिक्त प्रकृति को मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सूत्रकार ने कहा ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर को उपादान कारण नहीं माना जा सकता। तो अब यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, प्रकृति का चल रहा है कि भाई प्रकृति ही मूल उपादान कारण है। तो यहाँ पर यह आशंका है कि ईश्वर को ही मान लें तो कह रहे नहीं, ईश्वर को नहीं मान सकते, वो तो फिर परिणाम ही हो जाएगा। तो ये बात आई ना पहले भी, तो ईश्वर के मूल उपादान कारण असिद्ध होने से ये सूत्र का अर्थ है। और कुछ लोग इसी सूत्र को लेकर के क्या बोल देते हैं, सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। तो स्पष्ट सूत्र है वहां पर, ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर के असिद्ध होने से, तो ईश्वर को असिद्ध कर दिया कपिल ऋषि ने, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। तो आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपके ध्यान में रहे, इसलिए मैंने ये प्रसंग याद दिलाया आपको कि प्रसंग यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रसंग ये चल रहा है कि प्रकृति को ही मूल उपादान कारण क्यों माने, ईश्वर को ही सीधा मान लें तो कह रहे हैं ईश्वर उपादान कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर तो अपरिणामी है, नित्य है, और प्रकृति तो परिणामी है। तो कह रहे हैं ईश्वर सिद्धे है उपादान भूत, ईश्वर के असिद्ध होने से जैसा ईश्वर तुम बताना चाहते हो वह सिद्ध नहीं किया जा सकता। अभिप्राय यह है कि जगत का उपादान भूत ईश्वर किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता मतलब उपादान के रूप में सिद्ध नहीं होता किसी भी प्रमाण से, ना तो प्रत्यक्ष से ऐसे दिखता है, ना अनुमान से, ना तो शब्द प्रमाण से। कतिपय आधुनिक विद्वान तो इस आधार पर कपिल को अनिश्वरवादी कहते हैं कि वह ईश्वर की जगत का उपादान कारण नहीं मानते, पर वस्तुतः थोड़ा भी गंभीरता से देखा जाए तो वास्तविक अनिश्वरवादी वे विचारक ही हैं जिन्होंने ईश्वर को जगत का उपादान कारण बताया है। ऐसा कहकर वे विद्वान प्रस्तुत अचेतन प्रकृति की ईश्वर का नाम दे देते हैं, अचेतन प्रकृति को
ईश्वर का नाम दे देते हैं और ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को उखाड़ फेंकते हैं। तो व्याख्याकारों की दूसरी दिशा यह है कि वे इस प्रकरण में किसी भी रूप में ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्याख्यान नहीं बताते। उन्होंने इन सूत्रों का अनेक रूप में मनमाना अर्थ किया है। न उनको सर्वात्मना प्रकरण में संगत कहा जा सकता है और न वैसी व्याख्या करते हुए सांख्य सिद्धांतों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। वस्तुतः सब व्याख्याकारों ने उक्त सूत्र की अवतरणिका के संबंध में गंभीरता से नहीं सोचा। इसी कारण वे वास्तविकता से बहुत दूर बहक गई। अधिक व्याख्याकारों ने यह समझा कि ईश्वर को होने वाले प्रत्यक्ष में उक्त लक्षण की अव्याप्ति हटाने के लिए यह सूत्र लिखा गया है, पर इस अव्याप्ति का परिहार तो ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे योगी के प्रत्यक्ष में किया। योगी योगज शक्ति के द्वारा प्रकृति या प्रकृति जन्य समस्त अतीत अनागत पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है और परमात्मा में इस प्रकार की अनंत शक्ति स्वतः वर्तमान रहती है, तो वह तो समस्त कार्य कारण जगत का और हमारी दृष्टि से बने अतीत अनागत इन सब को पूर्ण रूप से वर्तमान के समान देख रहा है। उसका संबंध तो प्रत्येक पदार्थ के साथ बराबर बना हुआ है। फिर ईश्वर को होने वाले प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की संभावना कहाँ रह जाएगी? ये और भी इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये क्योंकि है जी होने पर सत्सप्तमी, तो इसको आप स्वयं थोड़ा सा पढ़ लेना। ये और भी कई विचारकों के विचार इसमें दिए हैं ना। फिर इसके आगे अनुमान और शब्द प्रमाण के बारे में कल चर्चा करेंगे। इसमें भी आया है देखो, मुक्तात्मना प्रशंसा उपासा सिद्धत्व सिद्धस्य वा। परमात्मा की जो प्रशंसा की जाती है ना, वो किसके लिए की जाती है? उपासा सिद्धस्य, उपासना के लिए निश्चित रूप से। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।